students, welcome to the English class. Today we are going to discuss about placing and order letter. ठीक है, placing and order होता क्या है? Like हमें जो है किसी भी चीज का order place करना, कोई भी चीज मंगाना. अब आप बोलोगे कि मैम इसके लिए letter लिखने की क्या जरूरत है, हम तो फोन करेंगे और सामान आ जाएगा, letter लिखने की क्या जरूरत है? तो स्टूडेंट, जब आप बड़े लेवल पर बिजनेस करते हो, ठीक है, बहुत बड़े लेवल पर जब आपका बिजनेस जाता है, ठीक है, तो आपको जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ता है. ठीक है, बहुत सारी चीजें मंगाने के लिए भी आपको एक प्रॉपर वे में चलना पड़ता है. उस सिस्टमेटिक वे से चलने के लिए आपको जो है किसी भी चीज का ऑर्डर मंगाने के लिए क्या लेटर राइट करना पड़ता है. अब आप जो है वो लेटर कैसे राइट करोगे, आपको आता होगा तभी तो राइट करोगे ना. सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स फॉर्मेट. फॉर्मेट मतलब लिखने का तरीका, कि हमें किसी भी चीज को जो है लिखना है वो कैसे लिखेंगे. हर किसी चीज को लिखने का तरीका तो होता है, उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल पे आएंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सी इट्स फॉर्मेट. एक फॉर्मेट इट इज वेरी इजी. ठीक है, ओके, लेट सी. फॉर्मेट ऑफ प्लेसिंग एंड ऑर्डर, किसी भी चीज को प्लेस करने का, ठीक है, ऑर्डर प्लेस करने का फॉर्मेट. लेट सी, सेंडर्स एड्रेस. यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस, सेंडर का एड्रेस लिखना. सेंडर कौन है? हम लेटर भेज रहे हैं ना, तो सेंडर कौन हुआ? हम. तो यहाँ पे आपको जो है सेंडर्स एड्रेस लिखना है, और ये भी जो है आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा, ऑलरेडी मेंशन होगा. ठीक है, मोस्टली मेंशन होता है, इफ ना भी हो तो आप अपना एड्रेस लिख देना. ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन, उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है. उसके बाद आपको राइट करनी है डेट. कौन सी डेट राइट करनी है? जिस डेट को राइट कर रहे हो वही डेट राइट करनी है. फॉर एग्जाम्पल, टूडेज डेट इज 16 सितंबर, तो यहाँ पर हम जो है 16 सितंबर राइट करेंगे. ओके, रिसीवर्स एड्रेस. फिर उसके बाद जो है आपको एड्रेस राइट करना है रिसीवर्स का. अरे किसको भेज रहे हो लेटर? मान लो किसी कंपनी को भेज रहे हो, तो क्या यहाँ पे कंपनी लिख दोगे? भाई ये कंपनी में किसके पास जाना चाहिए? बहुत बड़ी कंपनी होती है, उसमें वो लेटर किसके पास जाना चाहिए? उसका एड्रेस लिखोगे ना. तो यहाँ पे आपको जो रिसीवर्स एड्रेस, लाइक सेल्स मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोपराइटर, जो भी होगा ना, वो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी ये भी आपको जो है क्वेश्चन में मेंशन होगा. ठीक है, उसके बाद आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है. ठीक है, जिस भी चीज का हमें ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्वेश्चन में, लाइक बुक्स का बोला हुआ है आपको, फर्नीचर का, ठीक है, जिस भी चीज का करना है, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट भी आपको जो है क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होगा. नेक्स्ट यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम. ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप इतना लिखाना, आपको इतना आप राइट करके आओगे ना एग्जाम में, तो इसके भी मिनिमम 1-2 मार्क्स तो आपको एग्जामिनर दे ही देगा. ठीक है, 1-1.5 मार्क्स आपको इजिली मिल जाएंगे. लिखना क्या है? सेंडर्स एड्रेस जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होते हैं, नहीं होगा तो हम अपना राइट कर देंगे, है ना वेरी इजी. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट, जिस भी डेट को आप लिख रहे हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आज जो है 20, आप कुछ भी लगा लो, ठीक है, 20 अक्टूबर है आज फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये 20 अक्टूबर लिखना. ठीक है, 20 नवंबर है या 15 मार्च है, जो से भी डेट को आप लेटर लिख रहे हो वही डेट आपको यहाँ राइट करनी है. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट, यू हैव टू लीव वन लाइन, उसके बाद आपको वन लाइन लीव करनी है. उसके बाद आपको राइट करना रिसीवर्स एड्रेस, कि रिसीवर का एड्रेस, ये भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा. आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन लीव वन लाइन. वन लाइन इसलिए लीव करते हैं ताकि हम जो कुछ भी राइट करें वो एक प्रॉपर मैनर में लगे, नीट एंड क्लीन लगे, बिल्कुल प्रिस्क्राइब लगे. ठीक है, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन होता है, 4-5 वर्ड्स का लिखना होता है सब्जेक्ट, ज्यादा बड़ा नहीं होता. ठीक है, उसके बाद आपको राइट करना सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मीन्स रिस्पेक्टिंग सर, रिस्पेक्टिंग मैम. आफ्टर दैट
बहुत बड़े लेवल पर मान लो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, एंड आपको जो है किसी भी चीज का ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको जो क्लॉथ्स मंगाने हैं, ठीक है, या फिर आपको शूज मंगाने हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप इंक्वायरी करोगे ना कि आप बिना इंक्वायरी के सीधा ऑर्डर कर दोगे, हाँ भाई इतने सेट भेज दे, क्या पता उसका जो भी गुड्स है, उसके शूज है, जो कुछ भी आप मंगा रहे हो अच्छी ना हो, तो उससे पहले आप इंक्वायरी, तो ऑब्वियसली हम बिना इंक्वायरी के कोई भी चीज नहीं लेते। इतने बड़े लेवल पर जब जाते हैं और इतना सारा क्वांटिटी में जो है ऑर्डर करना होता है, तो सबसे पहले हम उसके लिए इंक्वायरी करते हैं, बिना इंक्वायरी के नहीं मंगाते किसी भी चीज को, ठीक है। दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर। अब वो कह रहा है अब हम उसको लेटर लिखेंगे तो उसको लेटर में मेंशन करेंगे ना कि हाँ हमने जो है इंक्वायरी लेटर जब आपको भेजा था, हम प्लेसिंग ऑर्डर करने से पहले इंक्वायरी लेटर उसको ऑलरेडी सेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ हमें जो है आज प्लेसिंग एंड ऑर्डर कर रहे हैं, तो हम जो 20 डेज बिफोर ऑलरेडी उसको इंक्वायरी लेटर भेज के उसका रिप्लाई आ जाएगा, हमें वो चीज अच्छी लगेगी तभी हम मंगाएंगे ना। मान लो हमने किसी चीज की इंक्वायरी करी, कहीं से हमें फर्नीचर मंगाना है, ठीक है, बेड वगैरह मंगवाना है कहीं से ऑलरेडी रेडीमेड, और हमने उसकी इंक्वायरी करी, हमें जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो क्या हम ऑर्डर प्लेस करेंगे? हमें उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो क्या हम ऑर्डर प्लेस करेंगे? नहीं करेंगे ना। मान लो हमें 500 बेड्स की नीड है फर्नीचर में, ठीक है, या तो क्या मैं सीधा ऐसे कॉल करूंगी, हाँ भाई 500 बेड्स दे जाना, कॉल तो हम तब करते हैं जो बिल्कुल श्योर होते हैं कि हाँ जहां से हम जो बुक्स मंगा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम जो इंक्वायरी कर लेते हैं किसी भी जगह से ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो इसमें जो हम ट्राई करेंगे, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। ये लेटर इसका मतलब है कि ये लेटर जो मैं लिख रहा हूँ, ये उस जो इंक्वायरी तुमसे करी थी ना मैंने, वो इंक्वायरी लेटर तुम्हें भेजा था उसके रेफरेंस में जो, ठीक है, जो इंक्वायरी करी थी, इंक्वायरी लेटर तुम्हें भेजा था, तुमने रिप्लाई करा था उसके रेफरेंस, ठीक है, जोन से भी डेट को पहले। मान लो आज कुछ मंगा रहे हो, ठीक है, 30th September को मंगा रहे हो, अक्टूबर को मंगा रहे हो, तो उसी दिन इंक्वायरी थोड़ी करोगे, इंक्वायरी तो काफी दिन पहले करोगे ना, तो यहाँ पे आपको पहले की डेट डालनी है। दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम। अब यहाँ पर आइटम का नेम आ जाएगा, चाहे आपको जो है कोई सी भी आइटम मंगानी हो, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्नीचर मंगाना है तो यहाँ पर फर्नीचर का नेम आ जाएगा, आपको बुक्स मंगानी है तो बुक्स आ जाएगा, ठीक है, जो सभी आइटम आपको मंगाना है यहाँ पर वो आइटम आप मेंशन कर दोगे। आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हम उसे कह रहे हैं कि हमने जो तुमसे इंक्वायरी करी थी उसके रेफरेंस में मैं ये लेटर लिखना हूँ और हम जो है आपके यहाँ से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, ठीक है, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट्स, नीचे दी गई सेट्स का। स्टूडेंट्स ये लाइन्स ऐसी हैं कि आप कोई सा भी प्लेसिंग एंड ऑर्डर लेटर आए आप उसमें ये राइट करके आ सकते, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है फर्नीचर मंगाना है, ठीक है, मान लो चेयर्स ही मंगानी है, तो आप पहले नंबर सिर्फ लिखोगे, एक होगी क्वांटिटी की कितनी चेयर्स मंगानी है, कलर भी देखोगे ना कि ब्लू कलर की मुझे इतनी चेयर्स चाहिए, व्हाइट कलर की इतनी चेयर्स चाहिए, ठीक है, एंड ब्राउन कलर की इतनी चेयर्स चाहिए। आफ्टर दैट आप साइज भी लिखोगे कि स्मॉल चाहिए, बिग चाहिए, मीडियम साइज भी चाहिए, ठीक है, कि आप जो ऐसी टेबल बना करके नीचे फॉलोइंग आइटम्स जो है हम आपसे ऑर्डर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी, अब सामने वाले से आप मंगा रहे हो कुछ भी सामान, तो क्या आप भी उसके लिए अननोन हो, तो क्या आपको वो आप पे ट्रस्ट करके क्या अपने यहाँ से सारा का सारा माल भिजवा देगा विदाउट एडवांस पेमेंट? नहीं भिजवाएगा ना, बिकॉज वो आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर ले। तो वो हम उसे ये भी लिखेंगे कि हमने जो है 50% पेमेंट ऑलरेडी बैंक के थ्रू कर दी है, ताकि उस बेचारे को विश्वास हो जाए हमारे ऊपर, ठीक है, तभी हम जो है ऑर्डर प्लेस करेंगे। बिकॉज ऐसे तो कोई भी इतने सारा सामान मंगाना और फ्री में ऐसे भिजवा दे, वहां जाके हो गए हमने तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं करा, मना कर दें।
ठीक है, तो ऐसे कोई नहीं विश्वास करता, तो इसलिए हम उसको विश्वास दिलाएंगे कि वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट SBI. तो कोई भी बैंक आप राइट कर सकते हो, टुडे एट 1 PM वी होप टू गेट आइटम डिलीवर्ड इन टाइम. अब वो कह रहे हैं कि हमने जो है 50% पेमेंट जो है SBI से कर दी है इतने बजे, और मैं ऐसी होप करता हूँ कि जो आइटम्स हमने मंगाई है, जो ऑर्डर प्लेस किया है, वो टाइम पे डिलीवर हो जाएगा. ठीक है, प्लीज फाइंड अटैच एंड क्लोज. अब हम क्या करेंगे, अब वो कैसे मान ले कि भाई आपने जो है 50% पेमेंट थ्रू बैंक कर दिया है. आप उसको कुछ तो भेजोगे ना, कुछ रिसिप्ट वगैरह की कॉपी, जीरोक्स. प्लीज फाइंड अटैच एंड क्लोज, इसका मतलब है हमने जो इसके साथ जो है अटैच कर दी. क्या अटैच करिए? रिसिप्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट की रिसिप्ट, yours truly. एंड यहाँ पे उसके बाद आपको राइट करना है नेम, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट देख लो कि किसी भी चीज को ऑर्डर प्लेस करने का, ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका क्या होता है. सबसे पहले हमें राइट करना होता है सेंडर्स एड्रेस. सेंडर्स एड्रेस मतलब हम सेंड कर रहे हैं उसको ये लेटर, हम भेज रहे हैं, तो हमें लेटर में जो सेंडर्स एड्रेस लिखना है. इफ आपको, वैसे तो मोस्टली क्वेश्चंस में ही होता है, इफ आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो आप अपना खुद का एड्रेस लिख सकते हैं. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट डेट. ठीक है, जो जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो आपको डेट राइट करनी है. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस की मैं जो ये लेटर लिख रही हूँ किसके पास जाए. ठीक है, सेल्स मैनेजर होगा, डायरेक्टर होगा, तो सीधा कंपनी के नाम पे भेज दूंगी. कंपनी पड़े, कंपनी पे कोई तो पड़ेगा ना, सेल्स मैनेजर है चाहे वो डायरेक्टर है. आफ्टर दैट यू हैव टू लीव वन लाइन. आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट 4 या 5 वर्ड्स में होता है, वो सब्जेक्ट जो है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में मेंशन होते हैं, गिवन होता है. रिस्पेक्टिव सर मैम, आपको सेल्यूटेशन राइट करना है. सेल्यूटेशन मतलब रिस्पेक्टिव सर, रिस्पेक्टिव मैम. ठीक है, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि हम इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस बिना इंक्वायरी के कभी भी नहीं करते. आप खुद भी देखो, आपके घर में भी आपकी मदर है, चाहे वो फ्रिज लेने जाती हैं या फिर कूलर लेने जाती हैं, सबसे पहले जा करके देखती हैं कि ये सही भी है या नहीं है. ऐसे थोड़ी ले आते हैं, पहले उसको देखते हैं ना सारा ओपन करके कम्प्लीटली. ठीक है, जो ये कौन सी क्वालिटी का है, कौन सी कंपनी का है, सब चेक करते हैं तभी लाते हैं ना. सेम ऐसे हमने इतना सारा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हम बिना इंक्वायरी के तो नहीं कर देंगे. तो इंक्वायरी लेटर जो है हम जो है पहले ही सेंड कर देते हैं प्लेसिंग एंड ऑर्डर से. दिस इज विथ रेफरेंस, तो हम ये लाइन लिखेंगे, दिस इज विथ रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटिंग, कि मैं जो ये लेटर लिखना हूँ इंक्वायरी लेटर के रेफरेंस में, जो मैंने आपको उस डेट को राइट किया था. ठीक है, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम्स, कि ये आइटम्स परचेज करने के लिए वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, सेट्स, हम जो है नीचे फॉलोइंग सेट्स मतलब नीचे दिए गए सेट्स का ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं. लाइक फॉर नीचे लाइक बुक्स है. अब बुक्स में आप जो है नंबर लिखोगे, क्वांटिटी लिखोगे, कलर थोड़ी आएगा. बुक्स में क्या आएगा? ऑथर का नेम आएगा ना. बुक्स में आप यहाँ राइट करोगे ऑथर का नेम. ठीक है, उसके बाद आप राइट करोगे क्वांटिटी. दैट्स इट, बुक नेम, ऑथर नेम एंड क्वांटिटी. ओके, वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI. और उसको विश्वास दिलाओगे कि हमने जो है 50% पेमेंट जो है आपको ऑलरेडी कर दी है. ठीक है, इतने बजे वी होप टू गेट डिलीवर्ड आइटम्स. हम ऐसी होप करते हैं कि जो भी आइटम्स है वो टाइम पे डिलीवर हो जाएंगे. रिसिप्ट, बैंक की रिसिप्ट स्टेटमेंट जो है, प्लीज फाइंड अटैच एंड क्लॉज. अटैच एंड क्लॉज मतलब उस लेटर के साथ में जो है अटैच है क्या है, रिसिप्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट यूअर्स ट्रूली, या और कुछ भी जो अभी आप पेमेंट वगैरह कर रहे हो उन सबकी रिसिप्ट वगैरह आप अटैच कर देना. सेम एज राइट द लेटर टू द सेल्स मैनेजर. सेल्स मैनेजर को लेटर राइट करना है. किसको राइट करना है? सेल्स मैनेजर को. तो सेल्स मैनेजर LMB बुक्स, ठीक है, रामनगर न्यू दिल्ली. तो ये जो है ये आपका क्या हो गया, सेल्स मैनेजर LMB बुक्स रामनगर न्यू दिल्ली, ये क्या हो गया आपका, ये है आपका
रिसीवर्स एड्रेस, इसको जो है हम ये हम जो लेटर लिखेंगे इसे लिखेंगे। प्लेस इन ऑर्डर फॉर टू टाइटल्स ऑफ बुक्स, हमें जो है टू बुक्स का क्या करना है, ऑर्डर प्लेस करना है। यू नीड फॉर एजुकेशनल पर्पस, ठीक है, हमें एजुकेशनल पर्पस के लिए जरूरत है। यू आर मोहन, हम देखो यहाँ पे यूर स्टूडी के बाद नेम राइट करना था, क्या नेम आ गया, आप मोहन हो या स्नेहा हो, ठीक है। और ये जो है एड्रेस, ये किसका एड्रेस है, यू क्या, हमारा एड्रेस मीन सेंडर्स एड्रेस। तो यहाँ पे क्या लिखना था, सेंडर्स एड्रेस, जो हमने यहाँ राइट कर दिया सेंडर्स एड्रेस, वी वाला 92B मोटर टाउन रोहतक, ठीक है। उसके बाद वन लाइन लिख करनी थी, कर दी। उसके बाद आपको राइट करनी थी डेट, डेट राइट कर दी मैंने 16 सितंबर 2020, ठीक है। या जोन से भी डेट है 14 मार्च 2020, जो भी डेट है आपको वो राइट करके आपको पता है। रिसीवर से एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस क्या था, द सेल्स मैनेजर LMB बुक्स रामनगर न्यू दिल्ली, ठीक है, हो गया इतना। उसके बाद क्या राइट करना था हमें, वन लाइन लीव करनी थी रिसीवर से एड्रेस के बाद। उसके बाद हमें क्या राइट करना था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, प्लेसिंग ऑर्डर फोर टू टाइटल ऑफ बुक्स, हमें 4-5 words में लिखना है, प्लेसिंग ऑर्डर ऑफ बुक्स, बुक्स का, ठीक है, हो गया सेम इतना हो गया। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन रिस्पेक्टिंग सर मैम, दिस इज सेम एज दिस इज, दिस इज विद टू द विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड। अब इंक्वायरी लेटर का लिखा, अब मान लो 16 सितंबर को आप उसे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो इंक्वायरी लेटर तो काफी दिन पहले करके आप इंक्वायरी कर लोगे ना, ठीक है। रिगार्डिंग द परचेज ऑफ बुक्स वी वुड लाइक टू सेम, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट टाइटल, ठीक है, बुक का टाइटल क्या है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, ऑथर क्या है बुक का, बुक के ऑथर का नेम राइट करना, आपके लिए आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो। इसके बाद आपको जो है राइट करना है, ये मैंने दोबारा राइट नहीं किया, इसके बाद आपको राइट करना है ये, वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टूडे एट 1 PM, वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड इन टाइम, प्लीज फाइंड अटैच्ड एंड क्लोज्ड रिसीप्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, योर्स ट्रूली। अब यहाँ पे नेम क्या आएगा, मोहन या स्नेहा, बॉय हो तो मोहन लिख दो, गर्ल हो तो स्नेहा राइट कर दो, ओके, हो गया है ना, बहुत इजी। कोई सा भी आपका लेटर आ जाए प्लेसिंग एन ऑर्डर का, चाहे फर्नीचर मंगाना हो, बुक्स मंगानी हो, ठीक है, या क्लोथ्स मंगाने हो, कुछ भी आ जाए, तो आप जो है एज इट इज फॉर्मेट देख लो। आप देखो सेंडर एड्रेस भी वही, एक रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, और ये चीज भी आप एज इट इज सब में राइट करके आ सकते हो। इन एवरी प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर यू हैव टू राइट दीज लाइन्स, दिस इज विद रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर। इंक्वायरी, हम मैंने बोला ना किसी भी चीज को ऑर्डर प्लेस करने से पहले हम इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी लेटर डेटेड, जोन से भी डेट को आपने इंक्वायरी करी होगी वो, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ आइटम, कुछ भी मंगाना है लाइक बुक्स, ठीक है, फर्नीचर, क्लॉथ्स, वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है, क्वांटिटी, कलर, साइज, इफेक्ट, बुक्स में तो कलर होता नहीं, ठीक है, साइज भी नहीं होता। वी हैव ऑलरेडी मेड 50% ऑफ द पेमेंट, उसको विश्वास दिलाना है कि हमने जो 50% पेमेंट कर दिया, बिकॉज कोई आपके लेटर पे ट्रस्ट करके कैसे इतना सारा बुक्स जो है, कैसे इतना सारा ऑर्डर जो है वो अपने वहां से आप तक पहुंचा देगा, ऐसे तो नहीं था पहुंचाएगा ना। 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टूडे एट 1 PM भी हो, और हम ऐसी आशा तो कर ही सकते हैं ना 50% देने के बाद कि जो भी गुड्स है, जो भी हमारी आइटम्स है वो टाइम पर डिलीवर हो जाएगी, ठीक है। प्लीज फाइंड इट कैश एंड क्लोज रिसीप्ट ऑफ द बैंक स्टेटमेंट, यूर्स ट्रूली एंड नेम ऑलरेडी मेंशन है, ओके स्टूडेंट, दिस इज योर प्लेसिंग एंड ऑर्डर, ठीक है, लेटर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड इट्स फॉर्मैट एंड इट्स एग्जाम्पल, ओके। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन
इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.